फतेहपुर यूपी जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मासिक बैठक हुई संपन्न। फतेहपुर जनपद के देवीगंज के स्टार सिटी में आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह पटेल अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों के भारी वर्षा में खराब हुई फसल के बारे में चर्चा की गई। वहीं सरकार द्वारा किसानों के ट्रैक्टर ट्राली में सवारी बैठाने पर लगी रोक को हटाने पर चर्चा की गई। वहीं जिला महासचिव पुष्पेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार को भारी वर्षा से जो फसल किसानों की बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों का इस बाहर की वर्षा में भारी नुकसान हुआ है। किसान यूनियन की मासिक बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई है स्टार सिटी हरिहरगंज फतेहपुर में, देवीगंज। भारी बारिश होने की वजह से किसान लोग परेशान हैं। ज्यादा बारिश हो गई है तो उनकी फसल नष्ट हो गई है। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए और उनका मुआवजा देना चाहिए उनको। अभी हाल में बैठक की गई है मासिक, किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई? ये मतलब जो बारिश हुई है इसके मुद्दे पे चर्चा की गई है, मतलब जो फसल लोगों की बर्बाद हो गई, किसानों को भारी नुकसान आया है। लेखपाल से कहे कानून को से जो और सरकारी अधिकारी इनसे कहे कि उनके निरीक्षण करवाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और ये ट्रैक्टर ट्राली में मतलब वो हुआ है कि रोक लगाई गई है, तो अगर इसमें रोक लग जाएगी तो किसानों को भारी नुकसान, क्योंकि किसानों का पूरी किसान यूनियन की मासिक बैठक की है, किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई है? आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जनपद फतेहपुर की मासिक बैठक हमारी स्टार सिटी, जो हमारा मीटिंग परिसर है जहां हमेशा करते हैं, यहां पे बैठक आयोजित की गई है, जिसमें किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है पानी की वजह से, सूखे की वजह से, उसका मुआवजा प्रत्येक किसान को मिले, इस मुद्दे पे हमारी चर्चा हुई है। और जो अभी हाल पे क्या कहते हैं किसानों के ट्रैक्टर ट्राली पे रोक लगी है, हम समझ रहे हैं कि ट्रैक्टर से दुर्घटनाओं के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन किसानों के पास भी समस्या है कि उनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोई दूसरा साधन नहीं है। कभी किसी की अंत्येष्टि है, कभी गांव में कोई मूलन है, तमाम तरह की परेशानी, बीमारी आजारी में है।